बाद एक समय महाराज एक अजगर सर्प ने बाबा का पैर पकड़ लिया। कौन का? नंद बाबा का पैर पकड़ लिया और अजगर पैर पकड़ के कस से मस नहीं होता। बहुत सखाओं ने प्रयास कर लिया छुड़ाने का, दस से मस नहीं हुआ। उसने बाबा को नहीं छोड़ा और प्रभु ने जब दौड़ कर अजगर के ऊपर महाराज एक अपनी बाएं पद का प्रहार किया और एक प्रहार में कहते महाराज अजगर का शरीर छूट गया। जैसे ही वो अजगर का शरीर छूटा अजगर मरा, उसमें से एक दिव्य देहधारी पुरुष प्रकट हो गया। उस अजगर में से दिव्य देहधारी प्रकट पुरुष प्रकट हो गया और जैसे ही वो पुरुष प्रकट हुआ दिव्य रूपधारी भगवान ने कहा तुम कौन हो? वह पुरुष बोला अहम विद्याधरः सुदर्शनं इति श्रुतः श्रिया स्वरूप सत्या विमानेन सब मेरा नाम विद्याधर है, मैं विद्याधर हूँ और मेरा एक नाम सुदर्शन भी है। हे गोविंद मैं बहुत सुंदर था, मैं बहुत सुंदर था, मेरी सुंदरता ही मेरे लिए अभिशाप बन गई। मेरी सुंदरता ही मेरे लिए ऐसा अभिशाप बन गई कि मुझे सुंदरता का अहंकार हो गया। हमेशा लोगों का मैं अपमान किया करता था। कोई थोड़ा भी बदसूरत दिखाई दे तो मैं उसकी बहुत हंसी उड़ाता था। देखिए सज्जनों भगवान की एक एक कथा हमें प्रेरणा देती है, एक एक कथा प्रेरणा देती है, यह कथा भी हमें प्रेरणा दे रही है। विद्याधर जो सुदर्शन है यह अति सुंदर था, लेकिन जो रूपवान जो लोग थे जो सुंदर नहीं थे उनकी हंसी मजाक उड़ाया करता था। एक दिन एक काले कलूटे से महाराज एक काले कलूटे से अद्भुत ढंगे से एक महात्मा को देखा जो महात्मा तीन चार जगह से टेढ़ा था। वो जब वो चले ना तो ऐसा लग रहा था मानो थुमका सा लगा लगा रहा, थुमका लगाते जा रहा। और मैंने उस महात्मा को देखा लहराते थुमका लगाते चलते चलते उस महात्मा को मैंने देखा। देखा मैं उसका मजाक उड़ाने लगा। मैंने मजाक कहा अरे देखो तो महाराज की चाल कितनी सुंदर, बाबा जी की चाल कितनी सुंदर, कितनी गजब है। अब वो महात्मा वो बाबा वो महाराज थोड़ी देर तक तो महाराज सुनते रहे। जब ज्यादा सहन नहीं हुआ तो मुझसे कुपित हो गए और महाराज क्रोध भरी वाणी से बोले तू मेरी चाल मेरे हाल पर हंस रहा है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू कह रहा है ना मेरी ये टेढ़ी मेढ़ी चाल से तू हंस रहा है, जा तू बिना टेढ़ी मेढ़ी चाल के चल ही नहीं पाएगा, मैं तुझे श्राप देता हूँ तू सर्प हो जा। सर्प कभी सीधा नहीं चलता, जा तू सर्प बन जा। और महाराज मैं उन चरणों में गिरा, बहुत प्रकार से गिड़गिड़ाया, महाराज क्षमा कर दो बाबा कृपा कर दो। तब उस संत ने कहा देख अब मेरी जीवा से जो शब्द बाण निकल गया अब वापस तो हो नहीं सकता, लेकिन हां तेरा कल्याण स्वयं परमात्मा के पद पर हार होगा प्रभु। उस समय उस महात्मा का श्राप मुझे मिला था और आज मैं उस श्राप के लिए उस परमात्मा उस महात्मा उस संत का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे श्राप नहीं आज मुझे वह आशीर्वाद मिल गया। आज मुझे गोविंद के पाद पद्मों से मेरा उद्धार हुआ, मुझे गोविंद आपका दर्शन हुआ। जिन पाद पद्मों के लिए जिन रूप माधुरी के लिए ब्रह्मादि देवता एक झलक पाने को तरस रहे हैं आज वो गोविंद मेरे सामने खड़े हैं। महात्मा महात्मा प्यारे अगर गाली भी देता है तो भी वो आशीर्वाद है, महात्मा ने श्राप भी दे दिया तो भी वो आशीर्वाद है। एक महात्मा के श्राप ने गोविंद के चरणों तक मुझे पहुंचा दिया। सापो में अनुग्रहाय कृतस्थैर्गामभि यदहम लोक गुणा पदार्थ। आज साक्षात नारायण के चरण स्पर्श से मेरे सारे
अशुभ अमंगल सब समाप्त हो गए, केवल शुभ और मंगल ही मेरे जीवन में बचे।